हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पे। कैसे हो आप सब? आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। बारिश बहुत हो रही है। रूम में चुपचाप बैठी हूँ। अभी निकलूँगी, देख रही हूँ कुछ काम धंधा। बारिश इतना हो रही है कि सारा पूरा घर गंदा सा हो गया है। कहीं पैर रखने के लिए हिम्मत नहीं। खुला है मेरा घर ना, तो जब बारिश आती है तो पूरा घर में पानी पानी हो जाता है। इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। भी थोड़ी देर बाद निकलेंगे कुछ काम। खाना वाना बन गया है क्योंकि 8 बजे से ही बारिश होने लगी है ना, तो टिफ़िन उफिन बना के दिए हैं और जो खाने वाले थे वो खाए हैं। कुछ लोग सो रहे हैं, मौसम का आनंद ले रहे हैं। आज से पूजा पाठ तुलसी जी का दीपक वगैरह जलेगा, ये कार्यक्रम चलेगा। एक काम ये भी एक्स्ट्रा हो गया है शाम के टाइम से। बढ़िया दिन से पड़ गया है आज, सोमवार से। आज से ये भी काम होगा 1 महीने के लिए माता तुलसी। तो शरद पूर्णिमा थी, किस किस ने शरद पूर्णिमा मनाया? खीर वगैरह बनाई जाती है, कौन बनाया कौन नहीं बनाया बताएंगे आप लोग ज़रूर। बहुत ज़्यादा पिचर पिचर घर हो गया है ना, इसलिए देख रहे हैं निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। पानी सब पानी पानी हुआ है बाहर। मैं बैठी हूँ अपने रूम में, उधर बाबू वहाँ खड़ा है। किचन का सारा काम हो गया है, सब्जी की छटाई किए हैं, ऐसी सब्जी रखी है उसका मतलब फ्रेश हो, में टोकरी साफ किए हैं। देखिए आप लोग, मैं आज तुलसी जी के दीपक की तैयारी कर रहे हैं। मैं फूल बत्ती बना रही हूँ, बना के इसमें भिगा के रख लेती हूँ तो फिर मेरा कुछ दिन चलेगा। मेरे पास आज बारिश तो ये देखें बन रहा है। मेरे पास ये नहीं था, नहीं मैं मतलब सुबह से बारिश हो रही थी तो मैं अब तभी बना ली होती, लेकिन कॉटन नहीं थी। अभी मैं मंगाई हूँ। तो उन्होंने कहा कि रात की तैयारी मतलब अब तो होना, 1-2 घंटे बाद मतलब दीपक जलेगा ही। मैं खुद से मतलब मंगा ये बना लेती हूँ ना, तो अपने हिसाब से बनाती हूँ छोटा छोटा करके। नहीं बहुत बड़ा बड़ा देता है तो जो मेरा दीपक जलाने वाला है उसमें बहुत बड़े बड़े नहीं आते हैं, तो इसको मैं अपने हिसाब से ही बनाती हूँ। एक दिन में कोई 5 जलाता है, कोई 7 जलाता है, कोई 11 जलाता है, पर मैं तो 5 ही जलाती हूँ। मेरे पास पंचमुखी दीपक है, उसी में रख के मैं जला लेती हूँ। तो मैं आप लोग को जब जलाऊँगी तो आज की पूजा दिखाऊँगी। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बत्ती मेरी इतना बन गई है, इतना मेरा मतलब 4-5 दिन तो चलेगा ही। फिर मैं कहीं बाहर निकलूँगी तो फिर कॉटन ले आऊँगी, तब फिर बत्ती बनेगी। अभी तो इतना ही फिलहाल, गांव में था ही नहीं। अब मैं इसको तेल में डुबाऊँगी। तेल में जब मैं डुबा दूँगी तो फिर अभी थोड़े देर मतलब अभी 2-3 घंटे बाद में इसको पूजा करना ना, तब तक अच्छे से भीग जाएगी। मैं इसको तेल में डुबा ले रही हूँ। ये तेल में डूब गई, अभी कम है तेल, इसमें तेल कम है, डूब गई। फिर अच्छे से तेल भी मंगाना पड़ेगा और ये तो मतलब मंगाना ही पड़ेगा, तभी इतना 5 से 6 दिन तो चलेगा ही। 70-75 बत्ती बनी है, भगवान जी हैं। एक बार हम
क्या भैया? भाभी दीपक जला रही हैं। भाभी तुलसी जी का पूजा कर रही हैं। भाभी दीपक जला रही हैं। दीपक जल गई। अब दिखाएंगे। ये देखिए भाभी अगरबत्ती जला रही हैं। तुलसी माता जी का पूजा कर रही हैं। हे गाइस देखें आज का मतलब वीडियो मेरा तुलसी पूजन पे है। आवाज़ बहुत तेज़ जा रही है क्योंकि रामलीला हो रहा है बगल में, तो उसका मतलब साउंड है इतना तेज़ हो रहा है चल रहा है कि बोलना बोल रहे हैं अपने तरफ से। कभी डर लगता है कि कॉपीराइट नहीं आ जाए। तो आज की ब्लॉगिंग बस यहीं तक है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी इसकी आवाज़ की वजह से। तो प्लीज़ चैनल पे आप लोग न्यू आ रहे हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आप लोग वीडियो को देखें ज़रूर प्लीज़, क्योंकि वीडियो देख नहीं रहे आप लोग। सब्सक्राइब तो आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसी तरीके से देख के भी मेरी हेल्प करें आप लोग, तब मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं सच में बहुत खुश हूँ, आप लोग का सहयोग जितना मुझे मिल रहा है मैं उस सहयोग से बहुत ही खुश हूँ। पर वीडियो देखना भी ज़रूरी है, जो मेरे पास रहता है मैं लेके आती हूँ। आज की वीडियो तुलसी पूजा पे है, तो आज से सारे लोग जो भी तुलसी पूजन करते हैं उनका ही पूजा पाठ शुरू हो गई होगी, और माता रानी सबका कल्याण करें।
यही कह सकते हैं। और क्या, मिलते हैं कल के वीडियो में, कल के ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय।